नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे से यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों धनुराशि वालों हो जाइए सावधान, आने वाले अगले दो दिन तक आने की दिनांक 9 और 10 फरवरी 2023 तक, क्योंकि दोस्तों इन दो दिनों के अंदर आपके ऊपर एक घिनौना आरोप लगने वाला है। दोस्तों आप कहीं मुँह दिखाने के लायक नहीं रहोगे जी। दोस्तों तो आप ऋष्य में रहते सावधान हो जाए, नहीं तो आप जिंदगी भर पछताओगे जी। दोस्तों या दो दिन आप लोगों को हर क्षेत्र और हर जगह आप लोगों को जरा संभल कर रहने की आवश्यकताएं होंगी, क्योंकि दोस्तों या समय आपके जो विरोधी हैं और आपको जो दिखना पसंद नहीं करते हैं दोस्तों, वे लोग या समय आपके ऊपर एक घृणा आरोप भी लगा सकते हैं। तो आप लोगों को या समय जरा संभल कर रहने की आवश्यकताएँ होंगी जी। दोस्तों तो आज की यह वीडियो पूरी तरह से आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और महत्वपूर्ण ग्रह गोचर के आधार पर बनाई गई है। तो आपसे निवेदन करता हूं कि इसे आप लोग शुरू से लेकर अंत तक ध्यान से जरूर देखिएगा। दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से हम आप सभी जातकों को बताएंगे कि आने वाले दो दिनों का समय आप सभी जातकों के लिए कैसा रहने वाला है। दोस्तों इन दो दिनों के समय अवधि में आप लोगों को किन चीज़ों में संभल कर रहने की आवश्यकताएं होंगी और क्या क्या सावधानियां भी ऐसे में आपको रखने की काफ़ी आवश्यकताएं होंगी। साथ ही इन दो दिनों के समय अवधि में आप लोगों को कौन से कार्य करने से शुभ फल की प्राप्ति होगी, तो कौन से कार्य करने से ऐसे में आपको बचना भी होगा। साथ ही बात करेंगे इन दो दिनों के अंदर आपके जीवन काल में क्या क्या बड़े परिवर्तन लेकर आ रहे हैं, तो कौन कौन सी बड़ी खुशखबरी भी आप लोगों को इन दो दिनों के अंदर प्राप्त होने वाली हैं। और साथ ही बात करेंगे इन दो दिनों के समय अवधि में आप लोगों को किन किन क्षेत्रों से और क्या बड़े लाभ की प्राप्ति भी हो सकती हैं। और साथ ही बात करेंगे इन दो दिनों के अंदर आपका बिजनेस व्यापार कैसे रहेगा, आपकी नौकरी कैसे रहेगा, आपका स्वास्थ्य कैसे रहेंगे, आर्थिक स्थिति कैसे रहेंगी, घर परिवार का माहौल कैसे रहेंगे और विद्यार्थियों के लिए समय कैसा रहने वाला है। दोस्तों सारे के सारे इंपॉर्टेंट जानकारियां हम आप सभी जातकों को पूरे सटीक बताएंगे। तो आज की यह वीडियो आप सभी जातकों के लिए बहुत ही खास रहने वाला है, तो इन्हें आप लोग बिल्कुल भी मिस ना कीजिएगा और शुरू से लेकर अंत तक ध्यान से ज़रूर देखिएगा। दोस्तों हम आप लोगों को जो भी जानकारी बताएंगे दोस्तों, वह पूरी जानकारी आपके कुंडली के और आपके ग्रह गोचर के आधार पर ही निर्मित किया गया है, तो आज की इस वीडियो को आप लोग बिल्कुल भी मिस ना कीजिएगा। दोस्तों चलिए बात करते हैं वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों उससे पहले जो भक्त अपनी माँ से सच्चे प्रेम करते हैं, इस वीडियो को अभी कभी अपने प्यारे हाथों से एक प्यारा सा लाइक जरूर करें। साथ ही कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से और श्रद्धा भाव से माता रानी के सभी सच्चे भक्त प्रेम से जय माता रानी जरूर लिखें। दोस्तों आपकी सारी मनोकामनाएं जल्दी ही पूर्ण होंगी और आप जिन मुसीबतों का सामना कर रहे हैं दोस्तों, उन सारे मुसीबतों से आप लोगों को हमेशा हमेशा के लिए मुक्ति मिलेंगी। तो दोस्तों चलिए बात करते हैं वीडियो की शुरुआत करते हैं भगवान श्री कृष्ण जी के बड़े ही सुंदर अनमोल ज्ञान के साथ। दोस्तों भगवान श्री कृष्ण जी ने गीता में कहा है कि दोस्तों इंसान के बर्बाद होने के 6 कारण हैं। पहला नींद और दूसरा गुस्सा, तीसरा डर, चौथा थकान, पांचवा आलस्य और छठा काम टालने की आदत है। दोस्तों यह 6 कारण जिस इंसान की ज़िंदगी में है दोस्तों, उस इंसान की ज़िंदगी बर्बाद होना तय है। दोस्तों अगर आप अपनी ज़िंदगी को अच्छा बनाना चाहते हैं, सुखी बनाना चाहते हैं, तो आप इन 6 कारणों को अपनी ज़िंदगी से हमेशा के लिए दूर कर दो, फिर देखो आपकी ज़िंदगी में हमेशा खुशियाँ ही बनी रहेंगी और आपके सारे कार्य भी पूरे होंगे और आपके सारे सपने भी पूरे होंगे और भगवान की कृपा भी आपके ऊपर हमेशा बनी रहेंगी जी। दोस्तों तो इन बातों को आप लोग हमेशा अपने जीवन काल में ध्यान में जरूर रखना। दोस्तों अगर भगवान श्री कृष्ण जी का यह ज्ञान आप लोगों को अच्छा लगा हो और समझ में आई हो, तो वीडियो को एक प्यारा सा लाइक जरूर करें। साथ ही कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से और श्रद्धा भाव से जय श्री कृष्ण राधे राधे जरूर लिखें। दोस्तों आपकी सारी मनोकामनाएं जल्दी ही पूर्ण हो जाएंगी। तो चलिए दोस्तों अब बात कर लेते हैं कि आने वाले इन दो दिनों की आपके समय के बारे में कि यह दो दिन का समय आप लोगों के लिए कैसा व्यतीत होगा। दोस्तों आने वाले अगले दो दिनों का समय आप सभी जातकों के लिए बहुत ही खास है और बहुत ही शानदार समय रहने वाला है। दोस्तों इन दो दिनों के समय अवधि में आपके ज़िंदगी में सुख और समृद्धि को लेकर आ रहे हैं। दोस्तों यह समय आपको अपने करियर और कारोबार से जुड़ी कोई भी शुभ सूचना मिलना प्रारंभ हो जाएंगी। और यदि आप लंबे समय से अपने ट्रांसफर या फिर पदोन्नति का इंतजार कर रहे थे, तो आपकी यह कामना भी इन दो दिनों के अंदर पूरी होती हुई दिखाई दे सकती हैं। और यह समय की शुरुआत में ही आप लोगों को शुभ सुविधा से जुड़ी
चीज़ों के क्रय विक्रय से घर में खुशी का माहौल भी बना रहेंगे और व्यवसाय में ऐसे में आप लोगों को अप्रत्याशित लाभ की प्राप्ति होंगी जिनसे आपकी खुशियों को ऐसे में दो गुना भी बढ़ाएंगे। और हालांकि ऐसे में आय के अच्छे साधन भी आपके बढ़ने के साथ साथ आपके खर्चे भी ऐसे में काफ़ी अच्छे बढ़ेंगे, लेकिन ऐसे में धन की किसी भी शुभ कार्य पर ही आपके खर्चे होंगे, आपको चिंता करने की आवश्यकताएँ बिल्कुल नहीं है। और यह समय के उत्तरार्ध में इष्ट मित्रों के सहयोग से आप किसी बड़े कार्य को पूरे करने में कामयाबी यह समय होंगे और इस दौरान जीवन साथी की कोई बड़ी उपलब्धि आपके और आपके पूरे घर में खुशी का बड़ा कारण भी बन सकती हैं। और प्रेम संबंध में यह समय लव पार्टनर के साथ आपके नज़दीकियाँ बढ़ेंगी और परिजन आपके प्रेम विवाह के लिए इसमें हरे झंडे भी दिखा सकते हैं। और दाम्पत्य जीवन में इसमें आपका सुखमय बना रहेगा और जीवन साथी के साथ या इसमें हंसी खुशी के पर बिताने के कई अच्छे अवसर भी आप लोगों को इसमें प्राप्त होंगे। और दोस्तों जो जातक सिंगल लाइफ जी रहे हैं दोस्तों, उन जातकों के भी जीवन में इसमें किसी की एंट्री हो सकती है जिनसे उन लोगों का भी मन इसमें काफ़ी अच्छा खुश भी दिखाई देंगे। और दोस्तों इन दो दिनों के समय अवधि में आप लोगों को जरा हर क्षेत्र में समन कभी रहने की काफ़ी आवश्यकताएँ होंगी। खास तौर पर यह समय आपको अपने कार्य क्षेत्र पर और अपने आप को व्यवसाय के क्षेत्र पर, क्योंकि दोस्तों यह समय आपके जो शत्रु हैं आप इसमें किसी प्रकार के इसमें आपको हानि पहुंचा सकते हैं, यानी कि दोस्तों यह समय आप लोगों को किसी ऐसे बड़ी मुसीबत में फंसा सकते हैं या फिर आपके ऊपर कोई ऐसा घृणा आरोप भी लगा सकते हैं जिनके कारण आपको इसमें भरे समाज में आपका नाम मिट्टी में मिल जाएंगे और आप इसमें किसी को मुंह दिखाने के लायक भी नहीं रह सकते हो। तो आप लोगों को इसमें जरा अपने शत्रुओं से दो कदम ही संभल कर रहने की आवश्यकताएँ होंगी, नहीं तो अगर यह समय आपके शत्रु को एक छोटा सा भी मौका मिलेगा तो आपको वो लोग बड़ी मुसीबत में डाल सकते हैं। तो यह समय आप लोगों को जरा सावधान रहना होगा और यह समय आप अपने शत्रु को कोई ऐसा मौका ना दें जिनके कारण आपको इसमें वे लोग किसी बड़े मुसीबत में फंसा सके। और ख़ास तौर पर यह समय आप किसी भी व्यक्ति पर विश्वास और भरोसा ना करें, नहीं तो आपके साथ ऐसे बड़ा धोखा भी हो सकता है। दोस्तों आप यह समय जो भी कार्य करेंगे खुद के दम पर करें तो आपके लिए बेहतर रहेंगे, अगर आप दूसरों के ऐसे भरोसे छोड़कर जाएंगे तो आपको बाद में पछताना भी पड़ सकता है। तो ऐसे में आप लोगों को इसमें हर कार्य को खुद ही करने की आवश्यकताएँ होंगी, तभी आपके लिए बेहतर भी रह सकते हैं। और यह समय आप लोगों को अचानक से काफ़ी अच्छा धन लाभ होने की संभावनाएं भी बन रही हैं। और यह समय कामकाज में जरूरत से ज़्यादा तनाव के चलते परिवार के जरूरतों और इच्छाओं को दरकिनार ना करें। और दोस्तों यह समय आप अपने गुस्से को पूरी तरह से काबू में रखें। दोस्तों यह समय कोई भी कारण हो, कोई भी बात हो, आप उस पर गुस्सा ना करें और ना ही आप उससे चिढ़ कर बात करें। दोस्तों यह समय आप गुस्से पर काबू नहीं रखें तो अपनों के बीच इसमें दूरियां भी आ सकती हैं और बाद में आपके लिए ही बड़ी समस्याएं हो सकती हैं। और इसमें झगड़े से आपको कोई लाभ नहीं होंगे बल्कि आपको परेशानियों और बढ़ जाएंगी। तो यह समय आप लोगों को झगड़े करने से ज़रा सावधान रहने की आवश्यकताएँ होंगी। और यह समय कोई बात हो आप उस पर गुस्सा न करें, आप उस पर एकदम मन को शांत करके रखें तो आपके लिए बेहतर साबित भी हो सकते हैं और आप आने वाली मुसीबत में भी बच सकते हैं। और यह समय परिवार के कार्यों में दिन भर आप लोग व्यस्त भी रहेंगे, परिवार की प्रसन्नता के लिए इसमें हर संभव आपके प्रयास भी करेंगे। और यह समय आपको दिन भर धैर्य बनाकर रखना होगा, घर और दफ्तर में अपनी सक्रियता पर नियंत्रण रखें तो आपके लिए भी बेहतर साबित हो सकते हैं। और यह समय पैरों में सूजन एवं दर्द भी हो सकता है, यह समय आप अपनी सेहत को नज़रअंदाज ना करें और साथ ही इसमें ज़्यादा चलने फिरने के कामों से बचें। कुछ समय इसमें आप अपने शरीर को आराम भी दें तो आपके लिए बेहतर भी रह सकते हैं। और दोस्तों जो छात्र परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, उन छात्रों को इसमें कुछ बड़े लाभ की प्राप्ति हो सकती है। और इसमें घर परिवार में आपके लिए अच्छा समय बना रहेंगे, या इसमें जीवन साथी का सहयोग मिलने से प्रसन्नता होंगी। और इसमें आपके घर में मेहमान भी आ सकते हैं, उनके खातिरदारी में इसमें कोई कमी आप बिल्कुल भी ना छोड़ें।